हम लोगों को विदित हुआ है। हेलो हेलो, हेलो हेलो, सभी लोग जानते हैं यहाँ पर एकादशी व्रत के उपलक्ष में यह कार्यक्रम रखा गया है, तुलसी विवाह के उपलक्ष में यह कार्यक्रम रखा गया है। बहुत बढ़िया। तो पहला गीत क्यों ना हम ऐसा रखें जो एकादशी और तुलसी विवाह से संबंधित हो, उन्हीं के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। हेलो भैया, इसको बढ़ा दे, बढ़ाए रखो भाई साहब, हमको हमारी भी आवाज नहीं समझ में। हेलो हेलो, बहुत मेहनत लगती है। हेलो हेलो हेलो, गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, बिल्कुल साधारण सी तर्ज है, बड़ा अच्छा मैटर है। अजय भैया जी सुनिएगा, हेलो चलो कहना या कि ये मेहंदी के बूटे बनाकर आ गए, तो देखिए सती वृंदा श्राप दे देती है कि आप जाकर पाषाण हो जाएं, पत्थर हो जाएं। और जब पत्थर होने का श्राप वृंदा से मिल जाता है तो भगवान विष्णु उनको एक वरदान दे देते हैं। वो वरदान में मिला क्या सुनेगा, क्या बेटा कहना क्या? वो पत्थर बन गए, वो सालिक राम बन गए, और जो वरदान दिया भगवान विष्णु ने तो वो तुलसी बनकर आ गई। तो कहना पड़ा क्या कि पेड़ बनी मात
तुलसी Yeah!
रेवती को वर नहीं मिल पा रहा है, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि जाओ तुमको द्वापर में वर मिलेगा, तो कहना पड़ा क्या विशेषता पर विशेष ध्यान। हेलो हेलो भाई, इसको जितना अच्छा बनाए रखेंगे उतना अच्छा आएगा। हेलो सुनिए, कितनी है पावन धरती को धारण करने वाले होंगे, और देखिए हैं कौन बताने लगे क्या बने कि कितनी है पावन ये धरती है। धरती ध्यान सदा है, धरती है ये धरती ध्यान किसका धरती है, ये धरती जिनके सिर धरती है, बस ध्यान उन्हीं का धरती है। यानी शेष जी को धरती माता ध्यान में धर रही है, तो कहना पड़ा कि धर्म धुरंधर धरणी कर का मैंने ध्यान किया है, कहना पड़ा कि चर्चा नहीं आराम की, रेवती हुई है राम की, तो चर्चा नहीं है आराम की, रेवती हुई है पल राम की, चर्चा नहीं मिला, कहना पड़ा नाम अधर गिरधर का धर के। एक वक्त मिली मीराबाई, और जब मीराबाई मिली तो देखिए उनके हृदय में वो झांकी बसी है नटनागर गिरधर की, और आठों याम कन्हैया को बजती रहती है, तो कहना कि नाम अधर के धर का धर के मीरा गिरधर कोर धर के हृदय पे धर के, तो लोग है बाधक मीरा की भक्ति में, कि लोग है बाधक इधर उधर के, तो मुरली से हुई बाबरी कन्हैया के प्रेम में, कि तन मन सी तन मन से हुई बाबरी राम रतन धन पाके, कि भूली खबर विश्राम की मीरा भाई को, कि भूली खबर विश्राम की, मीरा तो हुई है अब राम की, कि भूली खबर विश्राम की, मीरा तो हुई है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसलिए कि भूली खबर विश्राम की, तो मीरा तो हुई है अब राम की, तो भूली खबर विश्राम
चाचा जी का आदेश हो। अब यहां से प्रारंभ होता है वनडे मैच। वनडे मैच आई। अच्छा वनडे वनडे, लेकिन आज संडे नहीं। बहुत सुंदर सा गीत, बहुत सुंदर। पहले ही चक्र में क्या कहें, ब्रह्मोस की अग्नि फाइव। पहले ही चक्र में मजबूत गीत लगाया गया है। जय हो। आइए प्रयास करता हूं, क्योंकि घर का लिखा गीत मजबूत होता है मंच पर। 10-15 मिनट में प्रयास करना पड़ता है, जो बन सकेगा आपके गीत का जवाब दूंगा आदरणीय बहन जी। एक गीत बजा। किसाम की बंसी चाहता हूं, जो हम लोगों के बीच पधारे, हमारे हृदयांश बड़े भैया संजय जी। संजय भैया आपका स्वागत है, और कशिश बिटिया के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। केएस म्यूजिक चैनल, जिसके माध्यम से विश्व में कहीं भी ये कार्यक्रम देखा जा सकता है, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि हम जैसे कलाकारों को आप यहां लाइव करने के लिए आ गए। कोट कोट नमन है। इस बात का वादा करता हूं कि आज अजय अनुरागी जो भी गीत गाएगा, वो सब आपके YouTube में पहली बार जाएंगे। जय हो। साम की बंसी जब भी बजी है राधा के मन में प्रीत जगी। कह गए गुरु, कह गए हो। साम की बंसी जब भी जगी है राधा के मन में प्रीत जगी है। एक बार से दिल नहीं भरता नर नाना नर नाना। अब ये कहानी किस काम की, राधा तो हुई है बस शाम की। छूटे अब ये कहानी किस काम की, राधा तो हुई है बस शाम की। राधा तो हुई है बस शाम की। गीत आया है, गीत की विशेषताएं हैं। तुलसी हुई है शालिग्राम की, सिया तो हुई है राम की, उसके बाद रेवती हुई है बलराम की।
और लास्ट में जब कुछ नहीं बचा तो मीरा तो हुई अब राम की। केवल पंडा झूठे। अच्छा प्रयास है आपका। अब आदरणीय बहन जी, अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बन जाए। चलो अब वही तुलसी लक्ष्मी अंश है, लक्ष्मी स्वरूपा है वो तुलसी। और जब लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी है तो अजय अनुरागी आपके पहले गीत का पहला जवाब दे रहा है। लक्ष्मी का अंश जवाब में बगावत है। लक्ष्मी का अंश तुलसी का हाई, सागर के मंथन से लक्ष्मी आई। जब 14 रत्न निकले तो उनमें से माँ लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ है तो कहना पड़ा क्या, सागर के मंथन से लक्ष्मी आई। तो कहना पड़ा क्या, रोम रोम में रमा रमाए छवि धारे नयन माँ। रोम रोम में रमा रमाए छवि धारे नयन माँ। तो क्या बात है रोम रोम में रमा रमाए छवि धारे नयन माँ। तो चाहत रही हरि के हाथ की, चाहत रही हरि के हाथ की, और स्त्री हो गई है श्रीनाथ की। धन्यवाद। चाहत हुई है हरि हाथ की, स्त्री हो गई श्रीनाथ की। राम और सिया उधर है, अब प्रयास देखिए ला रहा हूं। जनकपुर में आके प्रभु राम जनकपुर में आके शिव धनुष को तोड़ा। आई अवध में सिया जनकपुर को छोड़ा। और जब छोड़ दिया तो कहना पड़ा क्या, चरणों की दासी प्रभु राम के। क्या बात है चरणों की दासी बनकर सीता, चरणों की दासी बन सीता रही सदा चरणन मा। चाहे वो वनवास गए हो और चाहे वो यहाँ रहे हो, हर जगह सुख दुख में माँ जानकी प्रभु राम के शामिल रही। तो कहना पड़ा क्या, चरणों की दासी बन सीता रही सदा चरणन मा। तो चाहत रही सदा साथ की। 14 वर्ष वनवास के लिए जब प्रभु राम जाने लगे तो माँ जानकी ने कहा कि स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन प्रभु राम ने पहली बार रोका कि सिया वनवास तो मुझे हुआ है, तुम्हें वनवास नहीं हुआ। लेकिन माँ जानकी ने कहा कि सुख दुख की सहभागी हूँ मैं आपके साथ चलूंगी, इसलिए कहना पड़ा क्या,
चाहत रही सदा साथ की, सिया तो हुई है रघुनाथ की। चाहत रही सदा साथ की, सिया तो हुई है गठबंधन हो जाने से वो जोड़ा नहीं होता, जोड़ा तब होता है जो साथ निभाया जाए। क्या बात है, साथ निभाया जाए वो मेन होता है। आइए देखिए अगली पंक्ति पढ़ रहा हूँ। जय हो। ब्रज की है बाला, लगन है लगाए जिससे वो है नंद लाला। कोई और न दूजा भाई, कोई और न दूजा भाई, बसा वही तन मन मा। ये बात सार्थक भी होती है। हाँ? जब उद्धव जी संदेशा लेके गए तो मिलता है उद्धव मन न भयो तस्वीर। कोई और न दूजा भाई, बसा वही तन मन मा, तो पूर्ण हो गई प्राणनाथ के, राधा तो हुई है यदुनाथ की। पूर्ण हो गई प्राणनाथ की, राधा हो गई है है। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जिनके विषय में लोग अक्सर उनके सामने उनका चित्र आया करे वो है के समान ही होते हैं, हालांकि वो भी ब्रह्मलीन हो गई है। है कौन सुने, अभिनेत्री ने नाम कमाया। क्या बात है, क्या बात है। अब वो है कौन, क्या बात है, बता दे, सुन लीजिए, बता देता हूं। समझ गए होंगे श्रीदेवी। उनके पति के दो नाम थे, एक था बोनी कपूर और दूसरा उनका नाम था श्रीनाथ, इसलिए कहना पड़ा। सुने क्या बात है, एक पंक्ति पढ़े देता हूँ। क्या लिखा है जवाब गुरु, क्या बात है। अभिनेत्री ने नाम कमाया, चर्चित हुई जन जन मा। अभिनेत्री ने नाम कमाया, चर्चित हुई जन जन मा, तो प्यारी हुई देवनाथ की।
अब देवनाथ इसलिए कि पति को परमेश्वर कहा जाता है, इसलिए प्यारी हुई देवनाथ की, श्री देवी हुई है श्री नाथ की, प्यारी हुई वो देवनाथ की।